नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। मनपा ने 2000 लोगों के काटे नल कनेक्शन। नगर सेविका निको से व उनके पति ने शुरू किया जल त्याग आंदोलन। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को दी चेतावनी, राज्य में फैली त्रिपुरा हिंसा की आग। और भाजपा ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ किया आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर नागपुर परिसर में 2000 लोगों के पानी के कनेक्शन काट दिए गए। इसी के विरोध में नागपुर नगर सेविका नेहा निकोसे और उनके पति विवेक निकोसे ने जल त्याग आंदोलन पालक मंत्री के घर के सामने शुरू किया। जब तक जनता को पानी नहीं मिलेगा तब तक निकोसे दंपत्ति पानी नहीं पिएंगे। नागपुर मनपा द्वारा नागपुर पालक मंत्री के निवास इंदिरा बेजनबाग सुदर्शन कॉलोनी के परिसर में करीब 2000 लोगों के पानी के कनेक्शन एक साथ काटने से आक्रोशित जनता व नगर सेवक पालक मंत्री के कार्यालय के सामने धरना दिए बैठी है। नगर सेविका स्नेहा निकोसे और उनके पति विवेक निकोसे ने इसके विरोध में जल त्याग आंदोलन शुरू किया है। उनका कहना है कि जब तक लोगों के काटे हुए कनेक्शन फिर से लगाए नहीं जाते तब तक वे पानी नहीं पिएंगे। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के कार्यालय के सामने ही उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। इस दौरान बड़ी संख्या में परिसर के नागरिक उपस्थित थे। इथे ज्या परिसरामध्ये नागपूर शहराच्या पालकमंत्री नितिन राउत साहेबांचा घर स्वतःचा आहे, त्या परिसरामध्ये 2000 लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन एका रातभरामध्ये षडयंत्र रचून महानगरपालिकेच्या भाजपाच्या सरकारने केलेला आहे आणि 2000 लोकांचा पाणी पुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे। आम्ही नितिन राऊत पालकमंत्री साहेबांच्या घरी आमची एक डिमांड घेऊन आलेलो आहोत की आमचे जुने कनेक्शन सुरू करा, त्याच्यानंतरच दुसरा काम करा। तुम्ही ओसीडब्ल्यू गेला तिथे का? ओसीडब्ल्यूचा एकही अधिकारी तिथे उपस्थित होण्यास तयार नाही आहे, आमच्याशी बोलण्यास तयार नाही आहे। महानगरपालिकेच्या अधिकारी आदरणीय श्वेता बॅनर्जी मॅडमला आम्ही फोन करून नगरसेविकांनी बोलल्यानंतर त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही 2000 परिवारांना टँकरनी पाणी उपलब्ध करून देऊ, परंतु आम्ही कनेक्शन त्यांचे कापले गेले आहे ते जोडणार नाही अशी अरेरावीची भाषा ही महानगरपालिका करत आहे। आमच्या टॅक्सवर चालणारी ही महानगरपालिका फक्त त्या भाजपाच्या षडयंत्रकारी लोकांच्या हातात असल्यामुळे हे सगळं प्रकार घडून राहिला। पालकमंत्री साहेबांच्या घरी आम्ही सगळे आलेलो आहोत आणि मी विवेक निकोसे आणि माझी पत्नी नगरसेविका स्नेहा निकोसे आम्ही जलत्याग केलेला आहे। जोपर्यंत आमच्या परिसराच्या जनतेला पाणी भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही पण पाणीचा घुट घेणार नाही। आम्ही जलत्याग आंदोलन इथून सुरू केलेला आहे। त्रिपुरा में हुई हिंसा की आग महाराष्ट्र में फैल गई है। राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं और अमरावती नांदेड़ मालेगांव में रैलियां हिंसक हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार का इस पर ध्यान केंद्रित किया है। त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा की घटना से देश के कुछ राज्यों में हिंसा की आग फैल गई जिसमें महाराष्ट्र बुरी तरह झुलस रहा है। पिछले कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है, इससे जुड़े कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने तथ्य स्पष्ट किया है कि त्रिपुरा में हुई घटना केवल एक अफवाह मात्र है। इस बीच त्रिपुरा में हुई घटनाओं के विरोध में मुस्लिम संगठन देश के कई हिस्सों में बंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती, मालेगांव, नांदेड़, हिंगोली और परभणी में भी शनिवार को विरोध रैलियां की गई। इन रैलियों में भारी भीड़ देखी गई। अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में मोर्चे ने हिंसक मोड़ ले लिया। मोर्चेकर्मियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की है और कुछ जगहों पर पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। इससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की भारी चुनौती है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति को संभाल रहे हैं। इसके बावजूद लोग और पुलिस वाले पत्थरबाजी में घायल हो रहे हैं। फडणवीस ने इन मोर्चों पर उंगली उठाते हुए अपनी चिंता जताई है। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से
उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे, कोई भी हिंसा न करे। हिंसा करना बिल्कुल गलत होगा और झूठी चीजों के ऊपर इस प्रकार से भड़कना और भड़काना ये भी गलत बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की तुलना ISIS से किए जाने से नागपुर में भाजपा द्वारा सलमान खुर्शीद के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद का पुतला भी जलाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना ISIS से की है, इस वजह से हर जगह उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं नागपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सलमान खुर्शीद के खिलाफ आंदोलन किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला जलाकर निषेध जताया। भारतीय जनता मोर्चा नागपुर महानगरतर्फे सलमान खुर्शीदच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आला, आता पुतला जाळून निषेध करण्यात आला। या देशातल्या हिंदूंची तुलना तो ISIS करतो आणि बोको हराम विषय एक आतंकवादी संघटना आहे, त्याच्याशी तुलना देशातल्या हिंदू समाजाची करतो आणि या देशात राहणाऱ्या 130 करोड हिंदूंचा अपमान करण्याचा अधिकार हा सलमान खुर्शीद आणि काँग्रेस पार्टीला कोणी दिला आहे? त्यांनी या देशातल्या 130 करोड हिंदूंची माफी मागितली पाहिजे। सुमित ठक्कर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। पिछली बार आदित्य ठाकरे ट्वीट प्रकरण में, तो अब NCP कार्रवाई पर ट्वीट करने के लिए सुमित पर मुंबई कलवा पुलिस थाने में मामला दर्ज है। कलवा पुलिस नागपुर में सुमित के घर पहुंचे और उसे समन दिया। इस मामले में भाजपा महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सुमित भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो एक सोशल मीडिया का कार्यकर्ता है। उसने मुंबई पुलिस के सामने एक सप्ताह में हाजिर होना चाहिए। सुमित ठक्कर यांच्याकडे ठाणे कळवा मधले पोलीस आले होते। ठाणे कळवा मध्ये एक गुन्हा सुमित ठक्करच्या नावाने पोलिसांनी केला आहे, रजिस्टर केलेला आहे। सुमितने ट्वीट केलं होतं की गुजरात द्वारकामध्ये 80 कोटी रुपयाचं जे ड्रग्स पकडलं, मुंब्रामधील रहिवासी असलेला कुणी दोषी नावाचा व्यक्ती आहे आणि त्याच्यामुळं सूत्राच्या माहितीनुसार यामध्ये काही पॉलिटिकल लोक दोषीचा संबंधित आहेत, हे सूत्राच्या माहितीनुसार लिहिलेलं आहे। तरी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। 7 दिवसाची नोटीस त्यांना दिली आहे की कळवा पोलीस स्टेशनला पोहोचा। तो काही भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता नाही आहे, पण एखादा सोशल मीडियाचा कार्यकर्ता, सोशल ॲक्टिव्हिटी असेल, तो कुठल्याही पक्षाचा असेल, त्याने जर त्या ठिकाणी योग्य कारवाई करा आणि तात्काळ त्याला अटक करा असं जर म्हटलं असेल तर मला वाटतं याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याची काही स्थिती नाही आहे। पण तरी गुन्हा दाखल झाला आहे। सुमित ठक्करला 7 दिवसाची नोटीस दिली आहे कळवा पोलीस स्टेशनला हजर होण्याची। सर, एक बाहेरची एजन्सी आली आहे पोलिसांचं म्हणणं आहे नागपूर पोलिसांचं, ही बाहेरची एजन्सी कुठली होती? सर, ठाणे कळवाचे पोलीस होते, त्यांना नोटीस दिली आहे, त्याचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि गुन्हा दाखल करून त्यांना 7 दिवसाच्या आतमध्ये पोहोचण्यास सांगितलं। यवतमाळ मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में शिक्षारत डॉक्टर अशोक पाल की हत्या के मामले में कॉलेज प्रशासन की तरफ से अनदेखी किए जाने का आरोप नागपुर के मेडिकल स्टूडेंट ने लगाया। यवतमाल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हड़ताल पर चले गए। दोषियों को कड़ी कार्रवाई और डॉक्टर पाल को मुआवजा देने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज मेयो अस्पताल के साथ ही अकोला मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट निवासी डॉक्टरों ने शनिवार को सुबह 8 बजे से कामबंद आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान आवश्यक सेवाएं बहाल रही,
मेडिकल मार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सजल बंसल ने कहा कि डॉक्टर पाल के मामले में कॉलेज प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। इसी वजह से शनिवार से मेडिकल कॉलेज के साथ ही मेयो और अकोला मेडिकल कॉलेज के निवासी डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य सेवाएं नहीं देंगे। 10 तारखेला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यवतमाळ येथे अशोक पाल या फायनल इयर MBBS विद्यार्थ्याचा निर्घृण हत्या करण्यात आली आणि कॉलेज कॅम्पसच्या आतमध्ये रात्री 8 वाजता त्या 8 वाजताच्या सुमारास त्या विद्यार्थ्याची हत्या करण्यात आली। 3 दिवसापासून यवतमाळचे निवासी डॉक्टर, तेथील विद्यार्थी, तेथील इंटर्न सगळं काम बंद करून एक साधी मागणी करत आहे की अशोक पाल याच्या मारेकऱ्यांना लवकरात लवकर अटक झाली पाहिजे। त्याचप्रमाणे अशोक पाल याचे वडील ब्रेन हॅमरेजने मरण पावले होते, त्याची आई एकटी आहे, तर अशोक पालला जो कंपेन्सेशन प्रशासनाकडून मिळाला पाहिजे तो लवकरात लवकर अनाऊन्स करावा आणि अशोक पालच्या मारेकऱ्यांना लवकरात लवकर अटक करून मागील 3 दिवसात जो तपास प्रशासनाकडून व्हायला पाहिजे होता तसा झालेला नाही, त्यामुळे नागपूरमधून मेडिकल, मेयो आणि अकोला हे सुद्धा या आंदोलनात सहभागी झाले आहे आणि जर असाच रिस्पॉन्स प्रशासनाकडून राहिला तर पूर्ण महाराष्ट्रात या आंदोलनाला सुरुवात होऊ शकते याची खबरदारी प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवाग्राम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पालक मंत्री सुनील केदार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वर्धा के सेवाग्राम स्थित विश्राम गृह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऑनलाइन रूप से उपस्थित थे। राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को ऑनलाइन मार्गदर्शन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में भारत के 30 राज्य के 150 कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पालक मंत्री सुनील केदार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। Had almost become optional in the Congress party. And it is important to understand why we find ourselves in the situation we find ourselves. Today, whether we like it or not, the divisive ideology, the hateful ideology of the RSS and the BJP has overshadowed the loving, affectionate and nationalistic ideology of the Congress Party. And this is the, we have to accept this. We can no longer not accept this. Our ideology is alive, it is vibrant, but it has been overshadowed. बाबा विश्वनाथ कैलाशी आश्रम गायमुख देवस्थान तुमसर में प्रखर कथा वाचक रूपलाल महाराज के वाणी में संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया गया है।
12 से 18 नवंबर तक संगीतमय श्री भगवत कथा रूपलाल महाराज के वाणी में सुनाई जाएगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12 से 5 बजे तक होगा। शुक्रवार को सुबह शोभा यात्रा निकालकर इस संगीतमय भागवत कथा की शुरुआत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रूपलाल महाराज की वाणी में श्री भागवत कथा सुनकर उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए, जिससे संपूर्ण माहौल भक्तिमय हो चुका था। ये हमारे संस्था हमारे कैलाशी आश्रम के माध्यम से यहाँ पर गायमुख देवस्थान में 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे प्रखर और प्रसिद्ध भागवत कथाकार रूपलाल जी महाराज हरिद्वार वाले, उनके माध्यम से कथा का रसपान किया जाएगा। और हमारे जो गायमुख के जो महात्मा थे, हमारे जो बाबा जी थे, उनका मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार 19/11/2021 को 2:40 पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएंगी। और भागवत कथा का समय जो है हमारा वो 12 से 5 बजे तक का है। और आज प्रथम दिवस के उपलक्ष में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। और शोभा यात्रा के आयोजन में यहाँ पर सभी कलश यात्रा वगैरह सभी निकलेंगी, उसके साथ में भागवत कथा का आयोजन होगा और रोज़ महाप्रसाद का भी लाभ लोग लेंगे। इस कथा का आयोजन कैलाशी आश्रम गायमुख देवस्थान के द्वारा किया गया है। इस कथा में हमारा एक ही उपदेश है कि कथा का रसपान सभी ग्रामीण विभाग के लोग है, और ये ग्रामीण विभाग में ये एरिया हमारा गायमुख देवस्थान तालुका तुमसर में आता है, तो इस क्षेत्र के माध्यम से हम इस भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। कनान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर डुमरी स्टेशन के पास शुक्रवार को देवलापार थाने से अपनी ड्यूटी पूरी कर अपने घर नागपुर लौट रहे पुलिसकर्मी की दुपहिया वाहन को ट्रेवल्स बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पुलिस कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद काफी देर तक हाईवे का ट्रैफिक बाधित रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच देवलापार पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस कर्मचारी डिगडोह नागपुर निवासी गोपीचंद नामदेव कामले अपनी रात की ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से नागपुर अपने घर की ओर जा रहा था। नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर डुमरी स्टेशन के पास हाईवे पर फ्लाईओवर का कार्य जारी होने से एक ही साइड का मार्ग वाहनों के लिए शुरू है। इस दौरान नागपुर से जबलपुर की ओर जाने वाली ट्रैवल्स बस के चालक ने अपनी बस तेज गति से और लापरवाही से चलाते हुए गोपीचंद की बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गोपीचंद अपनी दुपहिया वाहन के साथ नीचे गिर पड़ा तथा उसके सिर, दोनों हाथ और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। गोपीचंद का अधिक खून बह जाने से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कन्हान पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी राहुल रंगारी एवं पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा पंचनामा कर शव को कामठी के उपजिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने ट्रैवल्स बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच कन्हान पुलिस कर रही है। रामटेक की अंबाला झील में शुक्रवार को नहाने के लिए पानी में कूदे एक 19 वर्षीय नागपुर निवासी युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके साथ पानी में कूदे एक युवक और एक बच्चे को स्थानीय मछुआरों ने बचा लिया। जानकारी के मुताबिक झील में डूबने वाले युवक का नाम आर्यन संजय गडारिये हिवरी नगर नागपुर निवासी है, जबकि मौत के मुंह से बच निकलने वाले युवक का नाम हिमांशु सुरेंद्र सांडेल और मानव जोगेश्वर कनोजे, दोनों हिवरी नगर नागपुर निवासी हैं। आर्यन, हिमांशु और मानव अपने किसी रिश्तेदार की दश क्रिया में शामिल होने के लिए अंबाला आए हुए थे। दोपहर करीब 1 बजे तीनों नहाने के लिए अंबाला झील में कूदे। नारायण टेकड़ी रोड के घाट पर वे नहा ही रहे थे कि अचानक हिमांशु और मानव पानी गहरा होने से डूबने लगे। उनको डूबता देखकर आर्यन उनको बचाने के लिए उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा और खुद ही डूब गया। जानकारी के अनुसार तीनों को तैरना नहीं आता था। तीनों को डूबता हुआ देखकर किनारे पर पड़े उनके रिश्तेदार चिल्लाने लगे, किंतु किसी को तैरना नहीं आने के कारण वे मात्र मुखदर्शक ही बने रहे। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर झील के किनारे दूसरे किनारे पर मछलियां पकड़ रहे कुछ मछुआरों ने अपनी नाव लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और झील में कूदकर तीनों को बाहर निकाला गया। रिश्तेदारों ने बिना विलंब किए सभी को उपजिला अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।